हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर लूसेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा। इससे पहले दोस्तों इसके बहुत सारे पार्टों को आपको कराया जा चुका है, क्योंकि दोस्तों ये आपके 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ है। इसमें हम एक्सपीरियंस के साथ में आपको सारे क्वेश्चन को करा रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप इनको तैयार कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपके मैक्सिमम जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं का पीडीएफ है। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिएगा इस वाले पार्ट को भी और पिछले वाले पार्ट को भी दोस्तों, यदि आपने ना देखे हो तो आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, आराम से आप देखिएगा। और यदि आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, हमने आपको क्वेश्चन कहाँ तक कराए थे, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 2400 तीर्थकर थे महावीर जैन धर्म के दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। ये दोस्तों प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएंगी प्रथम महिला राष्ट्रपति दोस्तों। यदि प्रधानमंत्री आ गया दोस्तों तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कटक किस नदी पर बसा हुआ है। आपको बताना दोस्तों कटक कौन सी वाली नदी पर बसा हुआ है। ये दोस्तों महानदी पर बसा हुआ है, तो महानदी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका बाइनरी भाषा होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, इसका इस्तेमाल दोस्तों कंप्यूटर में भी किया जाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर दोस्तों केवल आपके दो नंबर होते हैं, एक आपका 1 होता है दोस्तों, एक आपका 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, LAN का विस्तार क्या होगा, अर्थात दोस्तों आपको फुल फॉर्म बताना है एक तरह से, LAN का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई या फिर आप उसे महानिर्वाण कहते हैं दोस्तों, ये कुशीनगर में हुई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, गोवा को पुर्तगालियों ने अपने शासन में लिया था, तो यहाँ पर देखिए कब आज़ाद हुआ आपको बताना है, 1961 में दोस्तों ये आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का बंगाल बिहार और उड़ीसा में अधिशासन हुआ था दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों, ये आपका नवाबों, मुगलों और दोस्तों अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था। मुख्य तौर से दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके विरोध में मुगलों और नवाबों ने दोस्तों मिलकर के अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई की, लेकिन इसका परिणाम हुआ दोस्तों अंग्रेज़ों की विजय हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर गठन हुआ, और साथ ही साथ दोस्तों बंगाल बिहार और उड़ीसा में इनका अधिकार हुआ। तो यहाँ पर देखिए आपका 1764 आपका सही हो जाएगा, तो 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था। ये दोस्तों आपका 1773 में लागू हुआ था, इसे आप कहते हैं दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर आप हिंदी में कहेंगे तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर कहलाता है विनिमय अधिनियम दोस्तों। विनिमय अधिनियम का तात्पर्य था दोस्तों आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके नियंत्रण में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का सुचारू रूप से यहाँ पर गठन नहीं हो पा रहा था और उस पर दोस्तों कार्य रूप उसका सही तरह से कार्य नहीं कर पा रही थी, तो उसी के लिए दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जो बाद में दोस्तों बिल्कुल उसका विरोध हुआ था, तो ये यहाँ पर मुख्य तौर पर कंपनी के लिए ही लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया था, कहाँ रखा था दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रथम क्रांति आपको पता होगा 1857 की है, जो आज़ादी के लिए लड़ गई थी दोस्तों। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जो उस समय के मुगल शासक थे दोस्तों बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल शासक कहलाते हैं, तो इनको दोस्तों कैद कर लिया गया था। तो कैद करके कहाँ रखा गया था आपको बताना है, इनको दोस्तों देश से बाहर करके बर्मा में रखा गया था दोस्तों, जो म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार में, तो बर्मा में आप कह देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, गांधी जी दोस्तों 9 जनवरी 1915 को भारत आए दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा, जहाँ भी दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत की पहली बोलती हुई फिल्म मतलब जो आपकी ऑडिबल है, वो दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए आलम आरा है, तो ऑप्शन नंबर आपका आलम आरा सही हो जाएगा। यदि आपका आएगा दोस्तों, प्रथम फिल्म जो आपकी पर्दे पर आई दोस्तों हरिश्चंद्र थी, जो के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत विश्व में कौन से स्थान पाता है। यदि आप एरिया की दृष्टि में देखें दोस्तों, तो भारत का 7वां स्थान है, तो ऑप्शन नंबर आपका 7वां स्थान सही हो जाएगा। और यदि आप दोस्तों जनसंख्या के तौर पर देखें, तो भारत का स्थान दूसरा है, क्योंकि प्रथम दोस्तों आपका चाइना है, उसके बाद भारत का ही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए चाइना की लगभग 138 करोड़ है दोस्तों, और वैसे ही भारत की लगभग 132 या फिर 33 करोड़ के आसपास में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। आपको बताना है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, बार बार क्वेश्चन आपका आता है, बताया भी गया है। ये आपका दोस्तों 15,200 किलोमीटर है, ये आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए। और वैसे ही दोस्तों आपको बताना है कि भारत पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। भारत का दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक विस्तार आपको बताना है, ये आपका है दोस्तों 2,933 किलोमीटर का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने
कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकृति प्राप्त की प्रदान की। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा है, इसको कब शामिल किया गया दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, ये आपका 22 जुलाई 1947 को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों तिरंगे झंडे, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया। वैसे ही दोस्तों आपको बताना है जो हमारा जनगण है, जो हमारा राष्ट्रगान है, इसको कब दोस्तों राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई, ये 24 जनवरी 1950 को हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। खुदा बख्श पुस्तकालय का नाम है दोस्तों, लाइब्रेरी का नाम है, तो ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ये दोस्तों पटना बिहार में स्थित है, तो पटना आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। दोस्तों यहाँ पर देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बहुत ही फेमस है, जो कोलकाता में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना दोस्तों विलियम जोन्स ने की थी। इसका तात्पर्य क्या था दोस्तों, इसका तात्पर्य था प्राची जो अध्ययन है दोस्तों उसको बढ़ावा देना, जो हमारा प्राचीनतम अध्ययन है, प्राचीनतम इतिहास है, उसको बढ़ावा देने के लिए दोस्तों मुख्य रूप से ये सोसाइटी बनाई गई थी। तो यहाँ पर आपको बताना चाहिए इसने दोस्तों बहुत ज़्यादा भारतीय इतिहास को भी प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। बैंकों का दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये दोस्तों आपका 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार को बनाया गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार अर्थात मुख्य अधिकार के रूप में बनाया गया दोस्तों, वहाँ पर आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये दोस्तों कौन से वाले संविधान के अंतर्गत यहाँ पर शामिल किया गया संशोधन के अंतर्गत, ये आपका दोस्तों 46वें संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार मतलब आपको पता होगा फंडामेंटल जो हमारे राइट होते हैं दोस्तों, उनमें देखिए 44वें संशोधन के द्वारा दोस्तों कौन से वाले अधिकार को हटा दिया गया, ये दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, क्योंकि संपत्ति के अधिकार में दोस्तों बहुत सारी परेशानी आ रही थी जैसा कि आपको पता होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकारों में क्या होता है उनको आप छीन नहीं सकते, लेकिन संपत्ति के केस में ऐसा संभव नहीं हो पाता, तो इसीलिए दोस्तों इसको हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा क्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ग्लोब को समझना है, ग्लोब में दोस्तों आपका एक मुख्य जो आपकी रेखा होती है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को दोस्तों बराबर दो भागों में बांटती है, तो इसको दोस्तों आप क्या क्या बोलते हैं, आप भूमध्य बोलते हैं या फिर आप विषुवत बोलते हैं दोस्तों, या फिर आप इंग्लिश में कहें तो आप इक्वेटर बोलते हैं। तो ये दोस्तों आपका जीरो अक्षांश में होती है, जो आपकी तिरछी लाइनें होती है दोस्तों इनको आप अक्षांश कहते हैं, और जो आपकी खड़ी होती है इनको आप देशांतर कहते हैं। अब देखिए आपको अक्षांश का पूछा गया है जो आपकी 23.5 डिग्री पर होगा, यहाँ पर लगभग होगी दोस्तों, और इतनी ही दूरी में दोस्तों यदि आप 20 से नीचे को देखेंगे अर्थात दक्षिण में जाएंगे दोस्तों 23.5 नीचे जाएंगे, तो दक्षिण में दोस्तों वाली आपकी रेखा होगी मकर रेखा दोस्तों, तो ऊपर वाली आपकी कर्क हो गई, नीचे वाली आपकी मकर हो गई, तो यहाँ पर दोस्तों आपका कर्क रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कर्क रेखा हम आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो आपकी सीमा रेखा उसे आप क्या कहते हैं दोस्तों, उसे आप कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, LOC भी आप शॉर्ट में बोल देते हैं, LOC कहें या फिर आप रेड क्लिफ रेखा कहें, वैसे ही दोस्तों चाइना और भारत के बीच की कहेंगे तो वो आपकी होती है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर आती है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों ये भारत में यहाँ पर देखिए बैरन द्वीप में आती है, जो आपका अंडमान निकोबार में स्थित है, बैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ हैं। पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ थी दोस्तों, एक आपकी ग्रीष्मकालीन और एक आपकी दोस्तों शीतकालीन। इसमें देखिए शीतकालीन वाली जो थी दोस्तों वो आपकी जम्मू प्रदेश में थी, और वैसे आपकी ग्रीष्मकालीन वाली श्रीनगर में थी, तो इस प्रकार से दोस्तों जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अमेरिका ने कौन सा वाला राज्य 1867 में रूस से ख़रीदा था। रूस से दोस्तों कौन सा वाला राज्य ख़रीदा है, ये दोस्तों आपका अलास्का हो जाएगा, अलास्का को ख़रीदा है 1867 में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। होपमैन कप दोस्तों टेनिस से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है। नवनिर्मित दोस्तों जो आपका हाल ही में निर्मित हुआ है तेलंगाना, उसके दोस्तों मुख्यमंत्री हो जाएंगे चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी वाली खाड़ी पड़ती है। भारत श्रीलंका के बीच में दोस्तों इसके बीच में दोस्तों मन्नार की खाड़ी पड़ती है। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार आता है, याद रखेंगे आप भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ने वाली खाड़ी मन्नार की खाड़ी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी वाली है। अरावली पर्वतमाला की दोस्तों सबसे ऊंची वाली चोटी गुरु शिखर कहलाती है। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार आता है दोस्तों, गुरु शिखर नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। कनाडा की दोस्तों समुद्री सीमा सबसे बड़ी है,
और वैसे ही दोस्तों किस देश की स्थलीय सीमा बड़ी है आएगा तो आपका वो दोस्तों चाइना की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, म्यांमार अर्थात बर्मा की मुद्रा क्या है। दोस्तों म्यांमार की मुद्रा जो है आपकी वो आपकी क्या हो जाएगी, तो मुद्राओं को भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लें और आगे को दोस्तों आपको बताते रहेंगे। ओके थैंक्स, इन क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखेंगे और वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब शेयर कर लें। ओके थैंक्स, जय हिंद जय भारत।